नमस्कार दोस्तों, RACIT एग्ज़ाम 30 सितंबर 2018, आज का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं और इससे संबंधित आज के जो प्रश्नों के जो सॉल्यूशन हैं, आंसर की हैं, वो भी इस वीडियो में आप जान सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2018 आज का ये पेपर है। तो हम डिस्कस करते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए और उनके सही उत्तर क्या है, आंसर की क्या रहेगी। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारे पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है। तो यहाँ जो आंसर रहेगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, जस्टिफाई, बी ऑप्शन सही उत्तर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो इन ऑब्जेक्ट को क्लाउड पर डेटा एकत्रित और एक्सचेंज करने में सक्षम बनाता है। तो इसका उत्तर रहेगा IoT, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं, निम्न में से किसकी नेटवर्क ट्रांसमिशन रेंज सबसे कम है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंफ्रारेड और वाईमैक्स। तो यहाँ पर सबसे जो कम रेंज रहती है वो ब्लूटूथ की रहती है, तो ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, कंट्रोल पैनल विंडोज 10, अपियरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग में। तो हम इसके उत्तर पर चलते हैं, यहाँ पर जो चारों ऑप्शन हैं ABC, तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ट्रैश ईमेल फोल्डर क्या है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, यह वह जगह है जहाँ हटाए गए ईमेल संग्रहित किए जाते हैं। आपने अपनी ईमेल आईडी पर कभी कोई मेल अगर आपने डिलीट किया है तो वो ट्रैश फोल्डर में ही जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा, यह वह जगह है जहाँ हटाए गए ईमेल संग्रहित किए जाते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि आप MS Excel 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, प्रिंट टाइटल्स, स्केल टू फिट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन प्रिंट टाइटल्स यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, MS PowerPoint 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है। तो इसके हम सही उत्तर इसका हम जानना चाहें तो बी ऑप्शन, यहाँ आप देख सकते हैं, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है। तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स का उदाहरण है। तो ये एक क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज हैं जहाँ पर आप अपना ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सकते हैं और गूगल क्लाउड स्टोरेज पर लगभग 35 से 40 से 50 GB तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर डिफरेंस समझे आप, प्रेजेंटेशन में एक तो होता है नई स्लाइड और एक होता है एक नया प्रेजेंटेशन। तो स्लाइड की जब भी बात आए तो Ctrl+M होगा, और अगर हमें नया प्रेजेंटेशन इंसर्ट करना है तो Ctrl+N होगा। तो इस प्रश्न में सही उत्तर होगा Ctrl+M, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, MS Excel 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, ग्रिड लाइन। यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता HZ में मापी जाती है, दूसरा वक्तव्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन, वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है। अगला प्रश्न, MS आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग क्या है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा सी ऑप्शन, इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है।
यदि आप अपने लैपटॉप के साथ विंडोज 10 का उपयोग कर रहे हैं तो आप स्पीकर वॉल्यूम, वायरलेस कनेक्शन स्टेटस और डिस्प्ले ब्राइटनेस इत्यादि जैसे सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं विंडोज मोबिलिटी सेंटर में। तो यहाँ से हम वॉल्यूम, ब्राइटनेस वगैरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? तो यहाँ पर इजी प्रश्न था, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। प्रेजेंटेशन की स्लाइड को शुरू करने के लिए यहाँ पर हम स्लाइड को F5 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप अगला ऑप्शन पढ़ें, स्लाइड शो मेनू से व्यू शो विकल्प का चयन करें, और इससे भी हम स्लाइड को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही है, तो डी विकल्प आप देख सकते हैं, विकल्प ए और विकल्प बी दोनों का चयन करें। अगला प्रश्न, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज़ में वेब ब्राउज़र द्वारा स्थापित किया गया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में माइक्रोसॉफ्ट एज ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2018 में निम्न में से कौन सी कार्य क्षमता पृष्ठ लेआउट समूह विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर होगा, टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल डालना। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, यदि आप एमएस वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची, प्रक्रिया आरेख, वेन आरेख, संगठन चार्ट ये सब आप बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा ऑप्शन का उपयोग करके इन्हें बना सकते हैं? तो इजी प्रश्न था, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान दिया गया है, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन है, तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा ट्री टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है जिसे आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको स्थान से स्थानांतरित करने के लिए उपयोग कर सकता है? और वर्तमान में हम सभी इसका उपयोग करते हैं लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, किसी स्थान पर जाने के लिए, तो ये GPS का उपयोग रहता है। OTP सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुविधाओं में से एक रूप में उपयोग किया जाता है, OTP का पूरा नाम क्या है? जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो जब लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आता है तो बैंक की वेबसाइट के द्वारा आपसे वन टाइम पासवर्ड पूछा जाता है, OTP, तो OTP का ये फुल फॉर्म यही है, वन टाइम पासवर्ड। किस नेटवर्क रणनीति में सभी नोड क्लाइंट और सर्वर के रूप में कार्य करते हैं? तो पीयर टू पीयर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एमएस एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो रिक्त स्थान दिया गया है व्यू, या फिर रिक्त स्थान व्यू में एक नई टेबल बना सकता है? तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा डिज़ाइन और डेटा शीट, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक संचार नेटवर्क या कंप्यूटर चैनल की क्षमता प्रति सेकंड बिट में संचारित करने को कहा जाता है, तो ये बैंडविड्थ कहलाती है, ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा, यह विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है, ये विशेषता नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विंडोज 10 के लिए बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है, इसका नाम है? तो विंडोज डिफेंडर, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ईमेल भेजने के दौरान प्राप्तकर्ता ईमेल का पता फिर रिक्त स्थान दिया गया है में डाला जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में सी ऑप्शन, केवल 2, BCC और CC, ये तीनों ऑप्शन हम डाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, कंप्यूटर पीडी VLSI प्रौद्योगिकी के साथ IC का उपयोग करती है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर रहेगा वो चतुर्थ पीढ़ी रहेगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मान लीजिए 6 क्षेत्रों कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन आदि जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है, तो एमएस एक्सेल 2010 में से पूरे भारत में सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट है? यहाँ पर तो पाई चार्ट बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, डी ऑप्शन, पाई चार्ट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 आप देख सकते हैं, एमएस एक्सेल 2010 टूल हैं जो किसी अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पिछड़ा काम करता है, तो यहाँ पर गोलसिक
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर प्रिंटर ड्राइवर भी है जिससे जिसको इंस्टॉल करने के बाद ही लैपटॉप पीसी पर कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाता है। स्कैनर यहाँ पर एक हार्डवेयर है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 33, एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण है, तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा AZ145B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, तो हम सबसे इसके आंसर पर जाते हैं। यहाँ पर वर्कबुक में एकाधिक वर्कशीट और चार्ट शामिल होते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्य में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, और इसमें इन चारों विकल्पों में से सबसे जो बेस्ट विकल्प रहेगा वो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर गैर प्रभाव प्रिंटर के उदाहरण हैं। तो ये आज के पेपर की आंसर की आप देख सकते हैं, बिल्कुल सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही हैं। आप अपने पेपर से मिलान करें, और आप सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को प्लीज़ आप लाइक और शेयर आप ज़रूर करें। आप कहीं पर भी इसे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी आप उसको शेयर करना चाहें, जिससे बाकी विद्यार्थियों तक भी आंसर से संबंधित जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।